कहाँ मिला? जल्दी करो जल्दी करो, चलते। देखो देखो कुछ मिला, कीमती खजाना है। क्या क्या है? अभी तो चांदी हो जाएगी। क्या निकलता है? क्या समझ में नहीं आ रहा, कोई पत्थर उत्थर लगता है। हट जाओ। देखते हैं क्या निकल रहा है। मुझे तो लग रहा है कि खजाना ही। चलो चलते हैं। मेरा मतलब सिर्फ इस बात से है कि इस खुदाई से हमें फैरो अखेनाटन के बारे में क्या पता लगता है, इन बातों से नहीं किस कल्चर का क्या आर्टिफैक्ट मिलता है। सईद, मुझे ओबेलिस्क के लिए थोड़ा और समय चाहिए। मैंने एक स्पेशलिस्ट को बुलाया। कैसा स्पेशलिस्ट? ये ओबेलिस्क एक इजिप्शियन नेशनल ट्रेजर है। तुम ऐसे किसी विदेशी को बुलाकर उसे नहीं दिखा सकती, वो भी हमें बताए बिना, समझी? उस ओबेलिस्क के कुछ सिंबल्स तो उगेराटिक में है और जैक हंटर को हंटर मैं उसे जानता हूँ, वो बड़ा ही एरोगेंट और सनकी है, मगर वो उगेराटिक आर्कियोलॉजी का सबसे बड़ा एक्सपर्ट भी है। मैं तुम्हारे सुपीरियर से बात करूँगा डॉक्टर लीना। इस खुदाई की इंचार्ज मैं हूँ सईद, आप भी ये बात मत भूलिएगा। ये क्या हो रहा है? तो यहाँ जाता है हमारा 51%। हाँ, और भी है। 3 साल पहले NSA ने प्रोफेसर शेफर के रिसर्च प्रोग्राम के लिए पैसे देना शुरू किया था। उसका मकसद था स्टार ऑफ हेवन का सच पता लगाना।
हम जानते थे कि कई और लोग भी मुकाबले में होंगे, इसलिए हमने उन लोगों को छांटा जो वाकई उग्रेट एक्सपर्ट्स थे। प्रोफेसर शेफर, लीना होलस्ट्रोम और तुम। मगर हमें एक शख्स नहीं मिल पाया, लिटमैन। उसे पहले ही रशियन माफिया व्लादिमीर पेट्रोव्स्की ने बुला लिया था। और तुम्हें एक और बात बता दूं, उसे दुनिया का सबसे खतरनाक और बेरहम सरगना माना जाता है। प्रोफेसर शेफर को पता भी नहीं था कि इसमें एनएसए शामिल है। अगर ये बात सही है तो उन्होंने मुझे टैबलेट की फोटो लेने को क्यों कहा था? मैं उस काम में एजेंसी को इन्वॉल्व नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने प्रोफेसर को मनाया कि वो तुम्हें काम पर रख ले। ये काम ज्यादा मुश्किल नहीं था जैक, हमें उस वक्त लिटमैन के रिसोर्सेस का पता नहीं था। तब पता लगा जब उसने तुम्हारा फोन टैप किया और प्रोफेसर की हत्या कर दी। अगर प्रोफेसर शेफर का अंदाजा सही था तो स्टार का दूसरा हिस्सा इजिप्ट में होना चाहिए। लीना होलस्ट्रोम वहाँ कायरो के पास खुदाई कर रही है। वो तुमसे एक नई खोज के बारे में बात करेगी। उसे एक ऑब्लिस्क मिला है जिसके ऊपर उग्रेटिक एनग्रेविंग्स है। अगर फ्रेडरिक होते तो ये तुम्हें जरूर देते। इसका मतलब तुम शुरू से मेरे ऊपर नजर रखे हुए हो। तुम आयरस की पावर को अच्छी तरह जानते हो। सोचो अगर वो दोनों मिल गए तो कितनी बड़ी तबाही होगी। मगर मैं उसके जैसा एक हथियार एनएसए को क्यों दूंगा? तुम खुद से क्यों नहीं पूछते कि क्या तुम उसे अपने पास रखोगे या फिर किसी और को दोगे? लिटमैन अभी बाहर ही है और तुम्हें उससे भी हिसाब चुकता करना है। हाँ, चुकाना तो है, और अगर तुमने इस बार भी झूठ बोला तो तुमसे भी हिसाब करूंगा। हाँ, वो 20 पैकेट में ही जाएगा। मैं एक कॉर्पोरेट जेट का इंतजाम कर देती हूँ जिससे तुम डमास्कस जाओगे, और तुम्हारे ऊपर किसी को शक ना हो इसलिए नारिया रमादान भी तुम्हें वहां मिल जाएगी। फिर वहां से कायरो जाओगे। मुझे गारंटी चाहिए। कैसी गारंटी? इस मामले में किसी और को कुछ नहीं होगा। लगता है नारिया तुम्हारे लिए बहुत खास है, तभी तो तुम्हें उसकी इतनी फिक्र हो रही है। और तुम लोग भी अच्छी तरह से जान लो कि मुझे किसकी फिक्र है और किसकी नहीं। तो फिर मैं इस डील को पक्की समझू? ड्रग्स दिया? हाँ, एक बड़ा ही पावरफुल हलुसिनोजन दिया था। शायद हमारी चाय में किसी ने मिला दिया था। फिर भी हम अपना काम तो कर ही सकते हैं। नहीं, मजदूर बड़े अंधविश्वासी हैं। उनका कहना है कि ये सब अकेनाटन के श्राप की वजह से हो रहा है। अच्छा होगा कि हम कुछ महीनों के लिए उस साइट को बंद कर दें और मामला ठंडा पड़ने के बाद फिर से खुदाई शुरू करें। हम ये मिशन नहीं रोक सकते। हम जल्दी ही अकेनाटन की कब्र तक पहुँच जाएंगे। मगर मुझे मजदूर नहीं मिलेंगे। उनके मुताबिक कैंप पर हमला करने वाले जीव असली थे। अकेनाटन के सिपाही अपनी विरासत की हिफाजत कर रहे हैं। पर वो नकाब पोश लोग आखिर थे कौन? कोई नहीं जानता। वो मैस असल में सिनाई के एक मीडियन कल्ट के थे, और वो लोग तभी से अकेनाटन की पूजा कर रहे हैं जब वो राज करता था, मगर पहले कभी किसी पर हमला नहीं किया। जैक जल्दी ही अपने होटल पहुँच जाएगा। मैं उससे मिलकर उसे वो ऑबेलिस्क दिखाऊंगी। अहब तुम्हारे साथ जाएगा, वो सारा इंतजाम कर देगा। इजिप्शियन तामिया की खुशबू है, उसके जैसी चीज दुनिया में और कुछ है ही नहीं। अच्छा, तो मंगवा लो। ओ नहीं 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 नहीं, यहाँ की नहीं, बाहर गलियों में वो बिल्कुल असली मिलेगी। जाओ ले आओ। हमारा काम हो जाएगा तो मैं बुला लूंगी। मैं आपके लिए भी ले आऊंगा, तब आप भी कहेंगे इजिप्शियन तामिया का कोई जवाब नहीं है। तुम कैसी हो? तुम अचानक कहाँ गायब हो गए थे? मैं तुम्हें मुसीबत में नहीं डालना चाहता था। मैं तो पहले से ही मुसीबत में हूँ जैक। जानता हूँ तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स हैं। अली नहीं रहे, लिटमैन हमारे देश के इतिहास की सबसे बड़ी आर्कियोलॉजिकल खोज लेकर भाग निकला, और ये सब तुम्हारे आने के बाद ही हुआ है। और हाँ जैक, मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं। देखो नादिया,
मैं यहाँ भी नहीं आना चाहता था, पर मेरी एक साथी ने ऐसा ओबेलिस्क ढूंढा जिसके ऊपर ओगरिटिक मार्किंग्स हैं। हो सकता है वो हमें आई ऑफ द स्टार तक पहुंचा दे, उसके बाद हमें लिटमैन भी मिल जाएगा, और वो आर्टिफैक्ट भी जिसकी तुम्हें बहुत ज्यादा फिक्र है। क्यों, क्या कह रहे हो तुम? मैं बस अपना काम कर रहा हूँ। जैक हंटर, डॉक्टर हेलस्ट्रॉम, हाय। हाय, काफी दिनों बाद मिले। हाँ, वो तो है। अच्छे लग रहे हो। तुम भी। कायरो में स्वागत है। आओ, तुम भी बैठो। ये है नादिया रमादान, ये सीरिया के मिनिस्ट्री ऑफ आर्कियोलॉजी के लिए काम करती है। हाय, मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी। ये है एहाब, ये इजिप्ट की मिनिस्ट्री ऑफ आर्कियोलॉजी में पब्लिक रिलेशंस के डायरेक्टर हैं। हेलो, खुदाई का काम कैसा चल रहा है? हमारी साइट पर किसी ने हमला किया था और सरकार ने हमारा काम बंद करवा दिया है। किसने हमला किया था? क्या हाशाशीन यहाँ तक पहुँच गए? माफ कीजिएगा, आप कौन है? ये है तारिक खालिफ। तारिक खालिफ, ये मेरी मदद कर रहा है। ओह, हाशाशीन। नहीं, हाशर ने तारिक, तुम जो खा रहे हो वो खाओ ना। तो तुम्हारे ऊपर उस साइट पर हमला हुआ, लेकिन वो ओबेलिस्क तो बच गया ना? हाँ, ओबेलिस्क बच गया है। तुम्हें ये बात अजीब नहीं लगी? जैक, उसकी अहमियत या जरूरत को यहाँ कोई नहीं समझता है। तो किसी के समझने तक इंतजार करना होगा। हाँ, हम कब देख सकते हैं? वो यही कायरो के म्यूजियम में रखा है, जब तुम तैयार हो जाओ तो जाकर उसे एग्जामिन कर सकते हैं। ओ, हम तैयार है। बढ़िया, तो फिर आइए मेरे साथ। ओके, थैंक्स यहाँ। जैक, मुझे बहुत खुशी है कि हमारे बीच जो भी हुआ उसके बाद भी तुम यहाँ पर आए। मुझे पूरी उम्मीद थी कि तुम यहाँ जरूर आओगे। जो होना था वो हो गया। तो अब चले। मेरे बॉस बहुत नाराज है। और वो नाराज क्यों है? तुम्हारे पास उनकी कोई अमानत है? हमारी डील दो आर्टिफैक्ट्स की थी, एक की नहीं। हमने पैसे दिए। वो तो बस डाउन पेमेंट थी, वो भी बस छोटी सी। अपने बॉस से कहो अगर वो चाहता है मैं दूसरा भी ढूंढूं, तो मुझे और आदमी चाहिए और उसके नॉर्थ अफ्रीकन रिसोर्सेज पर मेरी पकड़ होनी चाहिए। दूसरा पीस लिए बिना वापस मत आना मिस्टर लिटमैन, समझ गए? तुम अपना काम करो, मैं अपना करूंगा। मुझे बंद करवाना पड़ा। हाँ, बिल्कुल सही। मिस रमादान, बड़ी हैरानी की बात है। आइए आइए, बैठिए। अली कहते थे वो मेरी बेटी है। उनकी मौत के बारे में सुन के बहुत अफसोस हुआ। थैंक यू मिस्टर हंटर। मैंने आपके कारनामों के बारे में सुना है, मगर मुझे आपके जैसे ट्रेजर हंटर्स पसंद नहीं। ट्रेजर हंटर्स और स्कॉलर्स में मामूली सा फर्क होता सर, और ओबेलिस्क प्रोफेसर शेफर के काम को और आगे ले जाएगा, और आप तो जानते हैं कि मुझे उनकी थ्योरी पता है,
वो कहते थे उगारिट और फैरो अकेनाटन के बीच रिश्ता है, मगर मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। फिर भी मैं आपको उस ओबेलिस्क को एग्जामिन करने दूंगा। थैंक यू वेरी मच। प्लीज मेरा कार्ड रख लो, अगर कोई जरूरत हो तो मुझे फोन करना, ठीक है? डॉक्टर शहीन, सीरिया के लोगों की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, डॉक्टर हॉलस्ट्रॉम आपको वो ओबेलिस्क दिखा देंगे, अगर कोई जरूरत हो तो मुझे फोन कर लीजिएगा। आप मैं आगे देख लेती हूँ यहाँ। थैंक यू। ओके, थैंक यू, यू आर वेलकम। डॉक्टर हॉलस्ट्रॉम, आपने कब तक प्रोफेसर शेफर के साथ काम किया है? करीब 3 साल तक। मैं साल भर पहले ही इजिप्ट आई हूँ। जैक, सही कह रही हूँ ना? हम यहाँ करीब 1 साल पहले ही आए थे ना? शायद हाँ। और आपको ओबेलिस्क कब मिला? लगभग हफ्ता भर पहले। मैंने खुद उसे समझने की कोशिश की लेकिन मैं नहीं पढ़ पाई, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया है और आपको भी। हेलो, उम्मीद है ओबेलिस्क हमें सही डायरेक्शन बताएगा। हाँ, उम्मीद तो है। इसे कार्बन डेटेड किया गया है? हाँ, अखिनाटन के आखिरी दिनों के आसपास का है, 1300 BC। उसी समय ओगारिट भी गायब हुआ था। हाँ, ये तो ओगारिटिक है। इसे देखो जरा, ऐसा लग रहा है कि जैसे ये चीज किसी चीज में फिट होने के लिए बनी है। जैक, अगर तुम इन सिंबल्स को पढ़ लो तो शायद हमें पता लग जाए कि वो कहाँ है। शायद। इसमें कितना वक्त लगेगा? तारिक, जाके जरा कार से मेरा बैग ले आओगे प्लीज? ओके, मैं वापस आता हूँ अभी। हाँ, कुछ घंटे लगेंगे। कोशिश करो। हेलो बेबी। सुना है कि तुम्हें सीरिया में कुछ बड़ा खास मिला था। ये तुमसे किसने कह दिया? दुनिया बहुत छोटी है, तो क्या मिला था? नहीं, कुछ खास नहीं मिला था। बहुत खूब, इसका मतलब है कि खजाना अभी भी इजिप्ट में ही है। तुम इसी चक्कर में आई हो ना? हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि तुम्हें मदद चाहिए थी। सिर्फ जैक को बुलाया था। मैं समझ गया। मैं समझ गया सब कुछ। क्या पता लगा तुम्हें? देखो, इस ओबेलिस्क में 4 साइड्स हैं और चारों की अलग अलग कहानी है। ये पहली तो अखिनाटन की अपनी बीवी के नाम लिखी कविता है, नेफर्टिटी। हाँ, कई लोग तो कहते हैं कि उनका प्यार मार्क और क्लियोपेट्रा से भी ज्यादा गहरा था। इसके दूसरे साइड में क्या लिखा है? ओके, दूसरे साइड में बात है जंग और जीत की, इसलिए यहाँ पर ये सिंबल भी बना है, देख रही हो? ये क्या है? ये एक इजिप्शियन सिंबल है उगरेट के लिए। मुझे लग रहा था कि अरबी पढ़ना ही सबसे मुश्किल काम है। ये बाहर इंतजार कर रहे थे, जो कह रहे हैं कर दो। मेरे साथ चलो।
बाकी के इंस्क्रिप्शंस ने इस ओबेलिस्क को एक चाबी जैसा बना दिया है। ये असल में एक डिक्रिप्शन डिवाइस है। अखेनाटन के कब्र की तरफ ये हमारा पहला कदम होगा। हाँ, उस जगह की तरफ जहाँ खजाना दफन है। वो कब्र है कहाँ? इसके बारे में इसमें तो कुछ नहीं लिखा, मगर हमें उन सुरागों को जोड़कर सही लोकेशन तक जाना होगा। हर सुराग अगले की तरफ इशारा करेगा और हम शायद उस कब्र तक पहुँच जाए। ये असल में उस वक्त के अलग अलग कॉन्स्टेलेशन की पोजीशन के हिसाब से अगली लोकेशन का अंदाजा लगाएंगे। इसका मतलब ये एक नक्शा नहीं बल्कि पहेली है। 3300 साल पुरानी पहेली। चलो जल्दी आओ, जल्दी आओ। मुझे पहली लोकेशन का अंदाजा मिल गया है। मैंने इजिप्ट के एक नए नक्शे के साथ ट्रायंगुलेट करके देखा तो मुझे 33 साल पुराना एक कॉन्स्टेलेशन पैटर्न मिल गया। ये जगह तो अखेनाटन की राजधानी के ईस्ट में। हाँ, है। ये है एल अमारना, कायरो से 120 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में। हम वहाँ कुछ ही घंटों में पहुँच सकते हैं। क्या डॉक्टर शाहीन हमें ये ओबेलिस्क ले जाने देंगे? मैं डॉक्टर शाहीन से बात कर लूंगी। कार से 4 घंटे लगेंगे, हम सुबह निकल जाएंगे। अगर मैं ड्राइविंग करूंगा तो शायद उससे भी कम वक्त लगे। क्या कर रहे हो? यहाँ कोई है? शायद गार्ड्स को हटा लिया है। वो ओबेलिस्क के चक्कर में है। हमें यहां से निकलना होगा। तारिक, मुझे मदद चाहिए। मैं जहां हूं वहीं ठीक हूं। यहां उस टेबल को घुमाओ। ये पकड़ो, उस दरवाजे से कोई भी आए तो गोली मार दो। और उस दरवाजे का क्या करेंगे? जो काम आज तक नहीं किया वो करना पड़ रहा है। क्या? चलो चलो जल्दी करो, हमें निकलना होगा। तारिक तुम भी जल्दी करो। तो शाहीन के लिए काम करता है ना? मैं शाहीन को कई सालों से जानती हूँ। कहीं सबके पीछे शाहीन ही तो नहीं है? मगर वो अपने ही म्यूजियम से आखिर ओबेलिस्क की चोरी क्यों करवाएगा? याद है जब हमला हुआ था वो उस डिग साइट पर भी था। जब मैंने उसे कहा था कि मैं तुम्हें बुला रही हूँ तो उसने मुझे रोकने की कोशिश की। डॉक्टर शाहीन इस फील्ड के बहुत बड़े स्कॉलर हैं और उन्होंने जो भी खोजे की हैं उसकी दुनिया दाद देती है, फिर वो अपना नाम क्यों खराब करना चाहेंगे? तो उस ओबेलिस्क की जरूरत किसे है नादिया? कोई उसका मतलब ही नहीं जानता। हमें शाहीन को एहाब के बारे में बताना होगा। ये मामला एक फोन से ही हल हो जाएगा। वो इस बात पर कभी यकीन नहीं करेंगे कि ओबेलिस्क हमने चुराया है। हमने कुछ गलत नहीं किया है, हमारे ऊपर हमला हुआ था। हाँ, एक चोरी के इजिप्शियन आर्टिफैक्ट के साथ 4 विदेशियों से किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ भी हो, मैं उन्हें बताने जा रही हूँ। डॉक्टर शाहीन, नादिया रामादान बोल रही हूँ। हम थोड़ी मुसीबत में हैं। पुलिस तुम लोगों को ढूंढ रही है, अभी कहाँ हो? हमारे ऊपर हमला हुआ था, हम बड़ी मुश्किल से बचकर भाग। मगर इहाब ने तो मुझे कुछ और ही कहा था। वो कह रहा था कि मिस्टर हंटर ने कुछ लोगों को बुला लिया था ताकि ओबेलिस्क की चोरी कर सके, और जब गार्ड्स ने उन्हें रोकने की कोशिश की तब वो गोली चलाने लगे। वो ओबेलिस्क अभी कहाँ है? ओबेलिस्क तो हमारे पास ही है, लेकिन तुम लोगों ने एक नेशनल ट्रेजर की चोरी की है। मेरी बात मानो, जल्द से जल्द उसे वापस कर दो। डॉक्टर शाहीन, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? नहीं नहीं, तुम मेरी बात नहीं समझ रही हो। जितनी जल्दी हो सके लौट आओ, जितनी देर करोगे तुम्हारे लिए मुश्किलें उतनी बढ़ जाएंगी, समझ गई? अब क्या करें?
जब तक यहाँ से निकल नहीं जाते हमें तब तक छिप कर ही रहना पड़ेगा। हमें आज रात ही अलमारना की तरफ निकलना चाहिए। हमारी तलाश में हर जगह पर रोड ब्लॉक करके रखा होगा, इतना आसान नहीं होगा। मैं कुछ लोगों से बात करती हूँ। खाली हाथ आए हो? वो अमेरिकन आदमी, हाँ। वो ओबेलिस्क लेकर भाग गया। तुम फेल हो गए। आप मेरी बात को समझिए, मैं जो कर सकता था मैंने किया। आज से हजारों साल पहले इजिप्ट की रेत ने हमारे पुरखों की अमानत को निगल लिया था। बाकी का इजिप्ट भी फैरो को भूल गया था। ये ओबेलिस्क उस अमानत तक पहुंचने का एक जरिया है, उससे बढ़कर कुछ नहीं। ना मैं, ना तुम्हारा वो म्यूजियम, और ना ही तुम। और अब तुम्हारी नाकामी की वजह से वो फिर से हमारे हाथ से निकल गया। इसे ले जाओ। हम उस अमेरिकन और उसके दोस्तों को ढूंढ निकालेंगे। अब ये काम मैं खुद करूंगा। तुम ये क्या कर रहे हो? हमारे इंटेलिजेंस को खबर मिली है कि तुम्हारे पीछे पूरे देश की पुलिस लगी है। हमें फंसाया गया है लिज, ओके? लिटमैन? लिटमैन? तुम्हें पता है कि वो अभी कहाँ है? नहीं, वो हमारे रेडार पर तो नजर नहीं आए, लेकिन हम उसका पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। समझ कर। तुम अभी कहाँ जा रहे हो? स्वागत है आपका उस तरफ। ओबेलिस ने कायरो के नॉर्थ ईस्ट में एक लोकेशन की तरफ इशारा किया है। हम नजर रखेंगे। हाँ, जानता हूँ तुम यही करोगी। अगर वहाँ से निकलना चाहती हो तो कायरो वेस्ट एयरफोर्स बेस जाओ, वो तुम्हें वहाँ से बाहर निकालेंगे। कायरो वेस्ट, ठीक है। सिर्फ तुम्हें जैक और कोई नहीं। नहीं, ये हमारी डील नहीं थी। डील ये थी कि किसी और को भी कुछ नहीं होगा, याद है? हाँ, मैं कोशिश करूंगी जैक। सारे बैठ जाइए। क्या हुआ? वो लोग अब मेरी फोटो अखबारों में और टेलीविजन पे सब जगह डाल देंगे। हाँ, तुम बहुत मशहूर हो जाओगे। हाँ, लेकिन वो फोटो मेरे पासपोर्ट वाली होगी ना, और वो फोटो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, ना ही मेरी बीवी को पसंद है। अब देखना, मेरे सारे के सारे दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे। तुम्हारा कोई मजाक उड़ाएगा? कभी नहीं। फिक्र मत करो, एक बार ये मामला खत्म हो जाए तो मैं सारे केसेस खत्म करवा दूंगी। थैंक यू नाडिया। सब ठीक तो है ना? हाँ, बिल्कुल ठीक है। बढ़िया, तुमने फेरी ढूंढ के बहुत अच्छा किया लीना। अभी तक तो सब ठीक चल रहा है, हम शायद आज दोपहर तक अपनी पहली डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएं। कोई गन लेकर मछली पकड़ने जाता है क्या? नहीं तो क्यों? ऐसा लगता है शायद इजिप्ट के लोग ऐसा ही करते हैं। से कहो तेज चलाए। कैप्टन, क्या हम थोड़ा तेज चला सकते हैं? मेरी बीवी बहुत बीमार है। हाँ हाँ, बैठे रहो, जा रहे।
कैप्टन, अगर मैं जल्दी नहीं पहुंचा तो मेरा मेरी बीवी से तलाक हो जाएगा, जल्दी चलो। अरे यार इसे चुप कराओ, जल्दी। आप मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मेरी बीवी बहुत ऐसी बीवी से तलाक ले लो, शांत हो जाओ। किसे ढूंढ रहे हैं? मुझे। ढूंढो उन्हें, ढूंढो उन्हें। चलो चलो चलो, तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो यहां ऊपर है। इसे ले जाओ और मेरी बोट खाली करो, जाओ। तुम बता सकते हो कि उनमें से कौन सा ग्रेट पिरामिड है और कौन सा नहीं है? कमाल कर दिया, बहुत अच्छे, शाबाश, काफी बहादुर रही। शुक्रिया, अब मैं संभालता हूँ। तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। ओ नादिया, बाय। बोट में जाओ, तारिक यहां आओ, जल्दी करो। तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। तुम्हें लगता है कि ये लोग लिटमैन के आदमी होंगे? मुझे तो नहीं लगता। तो फिर वो कौन थे और उन्होंने हमें कैसे ढूंढ लिया? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। तुमने उस तरह से लड़ना कैसे सीखा? हमारे प्रोफेशन में औरतों को भी अपनी हिफाजत करना आना चाहिए।
देखो हमें नॉर्थ ईस्ट में अभी करीब 5 किलोमीटर और जाना है, तब हम एलमारना के खंडरों के काफी करीब होंगे। ओके। ये कौन है? तारिक, उससे पूछो वो उन खंडरों के बारे में जानता है। ठीक है। ओ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम रास्ता भटक गए, हम वो खंडर ढूंढ रहे हैं, पता है कहाँ है? सुना है कहीं आसपास ही है। हाँ, हम जानता है। हाँ जैक, ये जानते हैं कि खंडर कहाँ पर है? अगर तुम्हें पता है कि वो खंडर कहाँ है तो हमें वहाँ ले चलो ना। मुझे क्या दोगे? जो चाहोगे वो दे देंगे, वैसे तो हम लोग भी टूरिस्ट हैं। ये दे दो। क्या कह रहा है? इसे तुम्हारी घड़ी पसंद आ गई, दे दो इसे। नहीं, तुम अपनी घड़ी दे दो। पागल हो गए हो क्या? ये असली रोलेक्स है। ये नकली रोलेक्स है। हा? ये वाली असली है। ओह, इसे घड़ियों की पहचान है। तो अपनी घड़ी दे दो ना, ताकि हम यहाँ से आगे जा सके। मेरी बात सुनो, इससे कहो कि ये फ्रेडरिक की घड़ी है, मैं इसे नहीं दूंगा, तुम इसे अपनी घड़ी दो। पर बात को समझो, यहाँ इसी तरह से काम होता है। मुझे मत सिखाओ किस तरह से काम होता है। रेगिस्तान में रहना चाहते हो क्या? हर जगह एक ही तरह से काम होता है, अपनी बात समझ रहे हैं ना? देखो, तुम्हें इसे अपनी घड़ी देनी होगी, नहीं तो हम उसे अपनी घड़ी नहीं दूंगा। अगर तुम उन्हें घड़ी दे दोगे तो वो हमें खंडर तक पहुँचा देंगे, वरना हम इसी तरह से रेगिस्तान में भटकते रहेंगे। क्या चाहते हो बोलो। सर एक्सक्यूज मी, हम लोग बहुत दूर से यहाँ आए हैं और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अगर आप हमें उन खंडरों तक पहुँचा देंगे तो बहुत मेहरबानी होगी। आप हमें ले जाएंगे वहाँ? हाँ जरूर। यहाँ चारों तरफ फेंसिंग क्यों है? ये श्रापित है। श्रापित? ठीक है, तुम सब यहीं पर रुको, मैं जाकर देखता हूँ। बहुत बढ़िया, तुम ही जाओ, मैं यहीं इंतजार करूंगा, और आराम से आना। अलविदा, हम रुखसत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मिलेंगे। तुम्हें वहाँ कुछ दिखा क्या? शायद। क्या मिला तुम्हें? हमारी अगली लोकेशन, वैली ऑफ डेथ के पार। ये तो बहुत ही बड़ी मुसीबत है। चलो देखते हैं। हाँ, यही वो गांव है, ये वाला एल वादी नूरादीन। वहां तक पैदल जाना मुश्किल है। इस सड़क तक पहुंच जाए तो शायद हमें उस गांव तक जाने के लिए कोई सवारी मिल जाए।
हाँ ये बात तो सही है। एक बार उस गांव में पहुंचने के बाद हम डॉक्टर शाहीन से बात करेंगे, उन्हें बता सकते हैं कि हमें क्या मिला है, वो शायद इस पर हमारा यकीन कर लें। लगता नहीं कि वो हमारी बात मानेंगे। हमें इस सड़क तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? पैदल जाने में बहुत ज्यादा। ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहाँ आज की रात गुजार सके। कल सुबह निकलेंगे। हमें लीना को भी आयरिस के बारे में बता देना चाहिए। मुझे उस पर भरोसा नहीं है जैक। जब हमें अखेनाथन की कब्र मिल जाएगी तब तो उसे वैसे भी सब पता लग जाएगा। कैसे कह सकते हो कि जिन लोगों ने हम पर हमला किया था वो उसके साथ ही नहीं? क्या गारंटी है कि वो सईद के लिए काम नहीं कर रही? अब बेकार की बातें मत करो डॉक्टर शाहीन। नादिया, इन सबसे निपटने का एक ही रास्ता है, जैसे ही वो कब्र मिलेगी हर सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। समझ नहीं आ रहा कि मैं किस पर विश्वास करूं। कहना क्या चाहती हो तुम? तुम अचानक ही गायब हो गए थे और पता नहीं किससे फोन पर बात करते रहते हो। तुम कुछ बताते भी नहीं हो। तुम एक ऐसी औरत को यहाँ ले आए जिसके साथ तुम्हारी पुरानी आशिकी थी, और मुझे तो लगता है कि उसके दिल में कुछ और ही है, और तुम कह रहे हो कि मैं तुम पर भरोसा करूं। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम पर भरोसा करूं तो मुझे यकीन दिलाओ। लीना के साथ मेरा रिश्ता था लेकिन अब वो खत्म हो चुका है। अब हमारे बीच कुछ भी नहीं है, मेरी तरफ से भी नहीं। क्या तुम उसके ऊपर सचमुच इतना भरोसा कर सकते हो? अगर तुम गलत साबित हुए तो कीमत कौन चुकाएगा जैक? उसे जरूरत है मेरी। वो मेरी मदद के बिना खजाना नहीं ढूंढ सकती और मुझे छोड़कर भी नहीं जा सकती, पर मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाने वाला। हाँ देखा, कितनी देर से लकड़ियां ढूंढ रहा था, सिर्फ ये दो ही टुकड़े मिले। थैंक यू तारिक। फोन कर रही हो? नहीं, सईद को मैसेज कर रही थी अपनी बात बताने के लिए। इसकी बैटरी खत्म हो गई। मैंने सुना है कि तुम इजिप्शियन हिस्ट्री में माहिर हो। हाँ सही सुना है। पता है जब मैं छोटी थी तभी से अखेनाटन और नेफर्टिटी की प्रेम कहानी की दीवानी थी। उसने अपने प्यार को पाने के लिए हर मुश्किल का सामना किया। पता है वो पहली ऐसी रानी थी जिसने मर्दों के दबदबे वाली दुनिया में बराबरी के साथ राज किया। हाँ मुझे वो कहानी पता है, मगर अखेनाटन भी तो उसकी महत्वाकांक्षा से परेशान हो गया था और एक दिन वो गायब हो गई। हाँ लेकिन मैं उसकी तरह कहीं नहीं गायब होने वाली। तुम्हारी इन चालों का जैक पर कोई असर नहीं होगा। जानती हो नादिया, तुम्हारे जैसी जलने वाली और पजेसिव औरतों की वजह से ही कोई भी मर्द दूसरी औरत की बाहों में चला जाता है।
जैक, हम यहीं रुककर इंतजार करें क्या? नहीं, मुझे शहर दिख रहा है सामने, चलते रहो जब तक वहाँ पहुँच नहीं जाते। आ रही है हमारी सवारी। अगर इसने भी नहीं रोका तो? इस बार तो वो रोकेगा ही। लेडीज, लोग यहाँ क्या कर रहे हो? दिमाग खराब है क्या? हमें पास वाले गांव में जाना है। ले चलूंगा, मैं किसी को छोड़ कर नहीं जाता। अस्सलाम वालेकुम। जैक, इससे पूछो ना, इसके पास सीडी प्लेयर है क्या? रखो इसे। शुक्रिया। तुम अमेरिकन हो? हाँ। तब तो पूछने का कोई फायदा नहीं है कि तुम वैली ऑफ डेथ में क्या कर रहे हो। तो तुम्हारा जोडिक साइन क्या है? कोई हमारा पीछा कर रहा है। खत्म कर दो उन्हें। ये क्या है? अरे क्या कर रहे हो?
चलो चलो निकलो बाहर। आराम से तुम ठीक हो? हम इन्हें क्या बताएंगे? कुछ भी नहीं। हम इन्हें सच बताएंगे और फिर मिनिस्ट्री को कांटेक्ट करके बता देंगे कि हमें क्या मिला है। हमें कुछ भी नहीं मिला है। हमने कुछ भी गलत नहीं किया है। भरोसा रखो, ये हमें छोड़ देंगे। चुप रहो, सर अभी आने वाले हैं। और भटक कर इस खूबसूरत गांव में आ गए हैं। देखो, हम सब लोग यहाँ पर टूरिस्ट हैं, बस इस गांव में थोड़ा रास्ता भटक गए थे तो। टूरिस्ट? हाँ हाँ, मुझे अमेरिकन्स के एरोगेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं एक साल तुम्हारे देश में रहा हूँ, वेस्ट पॉइंट में, और तुम अमेरिकन्स को कहीं भी धमाके के साथ एंट्री करने में मजा आता है। हाँ, मजा तो आता है। प्लीज मेरे दोस्त की बात का बुरा मत मानिए। आज का दिन बहुत ही मुश्किल रहा, रास्ते में हम पर हमला हाँ, हुआ था। मुझे इस बारे में सब कुछ मालूम है। अच्छा हुआ कि तुम लोग सही सलामत बच गए। हाँ, वो तो आपकी और आपके जवानों की मेहरबानी है। क्या अब हम यहाँ से जा सकते हैं? मिस्टर हंटर, सच बताओ, तुम यहाँ क्या करने आए हो? हम आर्कियोलॉजिस्ट्स हैं और इस इलाके में थर्ड डायनेस्टी के निशान ढूंढने आए हैं। लेकिन क्या तुम अभी गलत डायरेक्शन में नहीं जा रहे? फेरस तो एल अलमारना में थे और तुम लोग कहीं और जा रहे हो। हमारे पास इस बात के सबूत हैं कि फारो अखनाटन कुछ समय के लिए इस इलाके में भी रहे थे। तुम्हारे पास परमिट तो होंगे ही, क्या मैं पेपर्स देख सकता हूँ? हाँ, मेरे बैग में रखे हैं। बैठ जाओ। मैं मिनिस्ट्री ऑफ आर्कियोलॉजी के डॉक्टर सईद शाहीन के साथ काम करती हूँ। मेरे कई दोस्त हैं जो आपकी मदद के बदले आप जो चाहें वो दे सकते हैं। अच्छा, तो तुम मुझे रिश्वत देना चाहती हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो बस एक छोटा सा तोहफा होगा। तुम्हारा फोन ऑन है और कई मिस्ड कॉल्स भी हैं। ये पेपर्स तो कायरो के पास की एक साइट के लिए हैं। फिर तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? वहाँ कुछ ऐसा मिला था जिसकी वजह से यहाँ तक आए हैं। क्या वो चीज यही तो नहीं है? मिस्टर हंटर, तुम तो इन चीजों के बारे में जानते हो। ब्लैक मार्केट में इसकी क्या कीमत मिल सकती है? 10 लाख या उससे भी ज्यादा? नहीं, इतनी तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन तुम जो ढूंढने जा रहे हो उसके मुकाबले तो ये कुछ भी नहीं है, है ना? तुम्हें क्या लगा था ये जगह बहुत पिछड़ी हुई होगी? नहीं दोस्त, हमारे पास तुम्हारी उम्मीद से कहीं बेहतर टेक्नोलॉजी है। अब जल्दी से बता दो कि तुम लोग क्या ढूंढ रहे हो, और अब मेरी बुद्धि की परीक्षा लेने की भूल मत करना। सुनो, असल में हमें एक खास
कब्र की तलाश है। और उस कब्र के अंदर तुम्हें क्या मिलेगा? खजाना है ना? हम आर्कियोलॉजिस्ट्स हैं, हमें खजाने से कोई भी मतलब नहीं। हो सकता है तुम्हें मतलब ना हो, लेकिन दूसरों को तो हो सकता है ना मिस्टर हंटर? मैं तुम्हें एक ऐसा ऑफर दूंगा जिसे तुम मना नहीं कर पाओगे। गॉडफादर? हाँ, बहुत ही अच्छी फिल्म थी, मगर उसका तीसरा पार्ट कुछ खास नहीं था। वो सॉरी, मैं वो खजाना ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा, तो अब से हम पार्टनर्स हैं। लेकिन हम वो खजाना आखिर देंगे किसे? ये देख रहे हो, मैं जनरल बनना चाहता हूं, और इतने कीमती एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स मिलने के बाद मुझे कायरो भेज दिया जाएगा। अभी तो हम ये भी नहीं जानते कि ये खजाना है भी या नहीं। अगर खजाना नहीं मिला तो मैं तुम लोगों को कुछ नहीं कहूंगा। अब ये बताओ, हमें कितनी दूर जाना है? हम अभी ये भी नहीं जानते। देखो, मेरे साथ मजाक मत करो, क्योंकि अगर मैंने मजाक किया तो बहुत भारी पड़ेगा। यहाँ से नाइल नदी ज्यादा दूर नहीं है, और वहां के मगरमच्छ बहुत भूखे हैं। हमारे पास कोई डिक्रिप्शन डिवाइस नहीं है जिससे माकस कहाँ है पता लग सके और हम मंजिल तक पहुंच सके। खजाना वहीं होगा ना? हाँ, अगर मार्कर करीब ही है तो चाहो तो तुम भी हमारे साथ चल सकते हो। ठीक है, तो आज तुम लोग मेरे मेहमान हो, हम कल सुबह सुबह यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन कोई तकल्लुफ मत करना, और एक बात अच्छे से याद रखना, अगर कोई बेवकूफी की तो मैं तुम सबको गोली मार दूंगा। मुझे बता सकते हैं कि वॉशरूम कहाँ है? थैंक यू। कई मिस्ड कॉल्स। हाँ, कल रात तो वो कह रही थी कि उसका फोन डेड है, कहा था वो भरोसे लायक नहीं। चार्ज कर लिया होगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? कब? जब हम सड़क पर भाग रहे थे। वो बड़ी कमाल की। हाँ? क्या तुमने ये सोचा है कि हमारे ऊपर फिर से हमला कैसे हो गया? तुम ही बताओ ना, ये लोग आखिर हमें ढूंढ कैसे लेते हैं? वो हमारे बिना कब्र तक नहीं पहुंच सकती नादिया, वो हमें मरवाना क्यों चाहेगी? उसने कर्नल को पैसे देने की बात कही थी, भूल गई? उसमें बस एक चाल चली थी मेरी ही तरह। तो अभी भी बता दो कि उसके पास कर्नल को देने के लिए पैसे कहां से आते? सच बताने से कोई फायदा होगा? नहीं। हाँ, नहीं होगा। सब तुम्हारी तरह ही साफ सुथरे नहीं है नादिया। साफ सुथरे? हाँ, साफ सुथरे। जानते हो तुम क्या हो? अपने आप में रहने वाले एरोगेंट और जिद्दी इंसान। इसे चुप कराओ, ये अपनी हदें पार कर रही है तारिक। मेरे ख्याल से तुम्हें उस कैप्टन के साथ बोर्ड पर ही रह जाना चाहिए था। वो तुम्हारी बहुत अच्छा होता, कम से कम वो शरीफ इंसान तो था। ओ, वो बड़ा शरीफ था। हाँ, जैक वो बहुत ही शरीफ इंसान था, तुमसे तो कई गुना बेहतर था। मेरी बीवी भी ऐसे लड़ती है। लोग अभी भी जेल के अंदर ही हैं। हाँ, लेकिन अभी हमें सब्र से काम लेना होगा और उन पर नजर रखनी होगी। जैसे एक सही मौका मिलेगा, हम हमला कर देंगे, फिर वो हमारे पास होगा, जिस पर सिर्फ हमारा हक है। गुड मॉर्निंग दोस्तों।
चलो हम खजाना ढूंढने चलते हैं। हम कहाँ जा रहे हैं मिस्टर हंटर? कहीं नहीं, पहले उन्हें यहाँ से बाहर निकालो। ये नहीं होगा, तुम्हारे दोस्त मेरी बाजी के तीन इक्के हैं। मुझे वो ऑबेलिस्क और मेरा बैग चाहिए। इसके मुताबिक झील किनारे एक महल होना चाहिए। खंडहर। खंडहर? हाँ, पहाड़ी की चोटी पर है। तो क्या खजाना वहीं पर है? नहीं, वहां अगला मार्कर मिलेगा। ठीक है, चलो उसे ढूंढते हैं। मैं तुम्हारा टूर गाइड बनूंगा। चलो। तो तुम जा रहे हो? वापस जा रहे हो? जा रहे हो ना? अब से हम पार्टनर्स हैं। अगला मार्कर करीब ही है, तुम भी हमारे साथ चल सकती हो। सब तुम्हारे जितने साफ सुथरे नहीं है। मुझे लगा मैं अकेले ही सब कर लूंगा, क्योंकि मैं हमेशा अकेला ही रहा हूं और मुझे यही पसंद है। मैं ये कैसे मान लूं जैक कि तुम ये सब पैसे के लिए नहीं कर रहे? खजाने के चक्कर में कई जाने जा चुकी हैं, पता है ना? रिलैक्स, हम साथ मिलकर वो कब्र ढूंढ लेंगे। फिर तुम्हारे दोस्त भी तुम्हें मिल जाएंगे और तुम्हें प्रमोशन भी मिल जाएगा। बिल्कुल, फिर सब खुश। चलो चलते हैं। बिल्कुल। तुम कह रहे थे सबसे ऊंची जगह पर है? हाँ, वही है। ठीक है, तो जाओ। जल्दी करो मिस्टर हंटर, मैं दिन भर यहां खड़ा नहीं रह सकता। जल्दी करो, मुझे वहां आने के लिए मजबूर मत करो। हां तो आ ही जाओ, मजेदार चढ़ाई है।
तुम्हें क्या दिख रहा है अमेरिकन? चलो चले। नॉर्थ की पहाड़ी पर जरा मुझे दिखाओ। तुम्हें पूरा यकीन है कि खजाना यहीं पर छिपा है? हाँ, अगर नहीं है तो फिर तुम्हारा क्या काम? अरेस्ट हिम। मेरे वापस आने के बाद सोचूंगा कि इसके साथ क्या करना है। मैंने नोट्स में सब कुछ नहीं लिखा। मुझे उल्लू बना रहे हो? तुम खुद समझ पाओगे, कब्र तक पहुंचने के बाद वहां भी नया सुराग मिला तो क्या तुम ओगरेटिक पढ़ सकते हो कर्नल? बड़े चालाक हो मिस्टर हंटर, तुम भी मेरे साथ चलो, लेकिन ये मेरे पास ही रहेंगे। मेरे साथियों का क्या? वो जेल में सुरक्षित हैं, और तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं है कि अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो तुम्हारा क्या होगा। अब चलो जल्दी। जैक, लगता है तुम अभी तक नहीं समझी। क्या लगता है जैक हंटर अब यहां वापस आएगा? क्या है? जिन लोगों ने हम पर हमला किया था वही लोग हैं। चलो जल्दी करो, सारे लुटेरे हैं, मार डालो सबको। कूद गया। पीछा करो उसका।
तुम्हारा दिन कैसा रहा? बहुत थकान और तकलीफ भरा। तो अपनी गन नीचे रखकर कुछ देर आराम क्यों नहीं कर लेते? गन को हाथ से दूर ही रखो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। बहुत से लोगों को मैं आज भी पसंद हूं जैक, उसकी गन ले लो। इसका कोई फायदा नहीं होगा। बिल्कुल होगा, यकीन करो। धोखेबाज। चौक गए। औरत उसी मर्द को पसंद करती है जो अपना वादा पूरा करे। वैसे मैं तुम्हारा शुक्रिया कहना चाहूंगा, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं इस जगह तक पहुंच पाया। मुझे बहुत बुरा लग रहा है तुम्हारे लिए। अभी खेल खत्म नहीं हुआ। जैसे ही मुझे वो कब्र मिल जाएगी, तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा जैक। लेकिन हमेशा की तरह तुम्हारा पीछा हो रहा है, इसलिए हमें चलना चाहिए। ले चलो इन्हें। जब वो कह रहा था कि कब्र में और लोगों की दिलचस्पी हो सकती है, तब वो झूठ नहीं बोल रहा था। ये खेल खत्म होने के पहले बड़ा खतरनाक होने वाला है। चलो। जरा सोचो तो फ्रेडरिक को सही साबित करने के कितने करीब हो। अगर वो खजाना तुम्हें मिल गया तो मैं दुआ करूंगा कि वो गलत साबित हो। मुझे तो बस एक चीज चाहिए, और तुमने देखा है कि उसका एक छोटा सा पीस क्या कर सकता है। इस रास्ते से आगे बढ़ो और ईस्ट में जाओ। अल्बर्ट, क्या बात है? यही वो जगह है। लैटिन, रोम की शान में। हाँ, रोम की शान में कुछ तो और होना चाहिए। तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो जैक? मेरे नोट्स तुम्हारे पास है, खुद ही देख लो। इतनी दूर आने के बाद हमें आखिर मिला क्या? लैटिन लेसन्स और जूतों में पत्थर ही पत्थर। क्या बात है, बहुत अच्छे। थैंक यू। मुझे एक टॉर्च दो। मैं चाहता हूं तुम भी इसे देखो जैक। क्या ये आई ऑफ द स्टार है? नहीं, ये वो नहीं है। तुमने सही कहा, मुझे भी ये देखना चाहिए। ये तो खाली है जैक। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब रोमन्स हमसे पहले यहां आ चुके हैं, आज से हजारों साल पहले। आए गायब है लेटमन,
गायब। चुप हो जाओ। इस खजाने में कुछ तो होगा जो हमारे काम का हो। ये खजाना नहीं है, ये हमारे किसी काम का नहीं। रोमन्स, सुनो जैक, हम दोनों जानते हैं कि वो आए वेटिकन के बेसमेंट में नहीं है, मतलब कहीं बाहर है। तुम मेरी मदद करोगे? नहीं। ठीक है, मैं उसे खुद ढूंढ लूंगा। हम कायरो जा रहे हैं, लेकिन तुम लोग फिलहाल यहीं रहोगे। हम यहीं रहेंगे? तुम बचकर नहीं जा सकते, और तुम भी कहीं नहीं जा पाओगे। अब चलो। इन्हें बंद कर दो। तुम्हें चोट लगी? नहीं, मैं ठीक हूं। अब मैंने क्या किया? लीना, वो इसे छोड़कर क्यों चला गया? ये मुझे दो और मेरी मदद करो। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। लिटमन ने इसे नहीं देखा था, क्योंकि मैंने इसे उसके लिए नहीं ढूंढा था। तुम्हें क्या हुआ? आज के बाद हाथ मत उठाना। और तुम मुझे कभी ये मत बताना कि मेरे बिजनेस में क्या हो सकता है क्या नहीं। ये मत भूलो कि हमें यहाँ तक कौन लाया है। लाकर क्या हुआ? हमें कुछ नहीं मिला। गुड आफ्टरनून। देखो,
नकली था लुटेरों को चकमा देने के लिए। रोमन्स के आने के पहले तक खजाना यही था। तारिक एक काम करो, इसके पैर को धक्का दो। फारो की कब्र में आकर उनकी बेइज्जती करो। ये हुई ना काम की बात। खामोश। जैक, अब हम क्या करेंगे? कुछ नहीं, हम कोई खतरा नहीं उठाएंगे। अच्छा प्लान है। आखिर तुम हो कौन? हम सब मीडियन सिपाही हैं। अपने शाही खानदान को वापस सत्ता में लाना चाहते हैं। तुम सिर्फ पागल हो। हम अखनाटन के वंशज हैं। फारोस ने आई ऑफ द स्टार को यहां लाकर छिपा दिया था ताकि वो गलत हाथों में ना पड़े। उसके ही लोग उसे नहीं समझ पाए और उसे गालियां देने लगे, मगर अब वो स्टार ऑफ हेवन पूरा हो जाएगा। उसकी मदद से हम इस दुनिया में अपना हक हासिल कर सकेंगे। वो मुझे दे दो। मेरे पास नहीं है। नहीं, अभी पता चल जाएगा। पकड़ो इसे, पकड़ो। नहीं। उसे छोड़ दो। नहीं, रुको। ये क्या कर रहे हो बेवकूफ? लगता है तुम इसके टुकड़े टुकड़े करवाना चाहते हो। प्लीज रुको। मैंने कहा ना, आए नहीं है, रोमन्स ले गए। मुझे तो नहीं लगता। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। एक रोमन कॉइन है, वो यहां आए थे। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। इतने साल बाद नहीं हो सकता। मेरी बात सुनो, हमारे जान लेकर तुम महान नहीं बन जाओगे। बिल्कुल बनूंगा। हिलना मत, तुम सभी को अरेस्ट किया जाता है। मार डालो सब। उन चीजों के चक्कर में मत पड़ो जो तुम्हारी नहीं है। Yeah!
पीछे रहना। पता नहीं ये इन सब चक्करों में कैसे पड़ गए। पूरा नहीं कर पाया फारो, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। इतनी आसानी से नहीं जा पाओगे। हमें लिटमैन के पहले उस आय तक पहुंचना ही होगा। नहीं, अब कुछ भी करने से पहले हमें इजिप्ट से निकलना होगा वरना। हेलो मिस्टर हंटर। अरेस्ट हो जाएंगे। माफ करना, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। डॉक्टर शाहीन, लुटेरे पकड़े जा चुके हैं। मुझे भी कुछ मिला है। क्यों ना आप खुद जाकर देख लें। पूरे इलाके को घेर लो और किसी चीज को हाथ मत लगाना, ठीक है? और तुम तीनों, तुम अब जा सकते हो। मैं खुद तुम्हें कायरो तक छोड़ने आऊंगा। लग रहा है कि अब तुम्हें प्रमोशन मिल जाएगा। हाँ, एक न एक दिन मिल ही जाएगा। नजारा तो कमाल का है। क्या इस साइट पर तुम्हारा काम होगा? हाँ, लेकिन अभी भी काफी स्टडी करनी पड़ेगी। तो चले। लिटमैन कहाँ चला गया? वो जर्मन, मुझे लगा तुम लोगों के साथ है। जैक, आयरिस का क्या करोगे? क्या? कुछ नहीं, मुझे खूबसूरत ज्वेलरी पीस मिला था तो सोचा शायद मेरी बीवी को पसंद आ जाए, लेकिन मैं उसे ले जाने की नहीं सोच रहा था। मैं तो बस यही पूछ रहा था। सोचना भी मत। पहली तो और उलझ गई है। हाँ, लग तो रहा है। देखो, मुझे ये ऑबेलिस्क असली लग रहा है। माफ करना, मैंने पहले तुम्हारी बात नहीं मानी थी। हाँ, यकीन करना थोड़ा मुश्किल तो था। लिटमैन का कुछ पता चला? कायरो पुलिस को इस बारे में सॉलिड लीड मिली है। वो जल्दी ही जेल के अंदर होगा। मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा कि फैरो एकेनेटन की कब्र की खोज के लिए प्रोफेसर स्कैफर की थ्योरी को भी क्रेडिट मिले। हालांकि अब वहाँ खजाना नहीं है, लेकिन वो कब्र इस बात की सबूत है कि किसी जमाने में उगरिट का खजाना वहीं रखा था। शुक्रिया। अगर खुदाई में किसी तरह की मदद की जरूरत हो तो। हाल में जो घटनाएं हुई हैं, उसके बाद तो लगता नहीं कि इन्हें अब हमारी मदद की जरूरत है। तो अब हमें घर लौट जाना चाहिए। देखो, मामला शांत होने के बाद मैं तुम लोगों को अपने गेस्ट की तरह बुलाऊंगा, मगर अभी मेरी बात का बुरा मत मानना। मैंने तुम तीनों के लिए अगले प्लेन से डमास्कस जाने का इंतजाम कर दिया है। थैंक यू। मैं दुआ करूंगा कि सीरिया में तुम्हारी रिसर्च कामयाब हो और शायद ये ऑबेलिस्क भी सीरिया की कलेक्शन में शान से रखा जाए।
तो अगर रोमन्स ने वो आय और खजाना चुराया था तो उसे रखा कहाँ होगा? मुझे पूरा यकीन है कि ये हमें उस जगह तक पहुंचा देगा। जैक, तुम इसे लेकर आ गए? हाँ, बिल्कुल ले आया। हमारे पास सिर्फ यही एक सुराग है। तो फिर कहीं और जाना होगा क्या? मेरा एक दोस्त यहाँ पर कैद है, पर अब नहीं रहेगा।